हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगट कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे YouTube चैनल के जो भी टोने टोटके यंत्र तंत्र मंत्र जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके तंत्र मंत्र यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो YouTube चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा YouTube चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें और हमेशा अपने मन में दया की भावना अवश्य रखें। आज हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष यानी 2024 में महाशिवरात्रि कब का है और क्या क्या इसमें पूजा विधि विधान है। ध्यान से सुनिए, इस वर्ष महाशिवरात्रि है 8 मार्च 2024 वार शुक्रवार को महाशिवरात्रि है, यानी 8 मार्च 2024 वार शुक्रवार को शाम को 8 बजे के बाद में महाशिवरात्रि शुरू होगी, जो 9 मार्च 2024 शनिवार को रात्रि 9-10 बजे तक महाशिवरात्रि चलेगी। तो जो भी खास तौर पर जो मैं इस वर्ष 2024 में मेरे शमशान में जो स्थान है महाकाल का, वहाँ पर मैं थोड़ा और उजागर करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। जितने भी मेरे शिष्य हैं, यानी जो भी मेरे को गुरु महाराज मानते हैं या मेरे को मेरे से गुरु दीक्षा ली हुई है, तो उन सभी को मैं निवेदन करता हूँ, मेरे शिष्य लोगों को, कि वो शिष्य लोग इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे आश्रम पर अवश्य पधारें, क्योंकि इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम
थोड़ा कुछ अलग करने जा रहे हैं। तो जितने भी मेरे शिष्य हैं या जो मेरे को गुरु महाराज मानते हैं उगड़ कालू राम जी को, तो वो 8 मार्च को दोपहर तक आश्रम पर पहुंच जाएं। इस दिन हम पूरी महाकाल के पूजा के बारे में, पंचामृत पूजा, षोडशोपचार पूजा और जल धारा अभिषेक, दूध धारा अभिषेक, बिलपत्र अभिषेक, पूरा मतलब महाकाल की पूजा के बारे में ज्ञान अर्चना शिष्य लोगों को कराएंगे और बताएंगे, और अघोर मार्ग का पूरा ज्ञान इसी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे जो भी शिष्य भगतगण है वो अवश्य पधारे, ताकि आपको अघोर मार्ग का और महाकाल की पूजा का, महाकाल के अभिषेक का पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो और महाकाल का पूरा आशीर्वाद आपको मिले, ताकि आप अपने अपने इलाके में जाकर महाकाल का नाम उजागर करें। तो हरिओम भक्तों, अवश्य पधारिए। मेरे शिष्य लोगों को खास तौर पर निवेदन है कि 2016 से जो भी मेरे शिष्य बने थे और आज तक जो भी मेरे शिष्य बने हैं, उन सभी शिष्यों से मेरी निवेदन है कि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आश्रम पर अवश्य पधारें। आपको पूरा अघोर मार्ग का ज्ञान बताएंगे और आपको आगे से आगे मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। हरिओम आदेश।